हेलो इलेवेंथ क्लास, कैसे हैं आप सब। मैंने जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस, मिस्ट्रियस स्टोरी वॉज दैट, वो रहस्यमय कहानी के पूरा होने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भेजे थे। जो उसके बाद हमारी नेक्स्ट पोयम है, टाइटल है उसका द लेबरनम टॉप। लेबरनम जो होता है उसको बोलते हैं अमलतास, एक प्रकार की बेल है, हल्के से पीले फूलों वाली बेल है। तो उसके बारे में बताया गया है, टेड यूक्स इज द राइटर ऑफ द पोयम। लेबरनम है शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, येलो फ्लावर एंड पॉइजनस सीड्स। और जो इसके बीज होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा विषैले ऐसे इसके बीज होते हैं, सीड होते हैं। तो उसके बारे में पूरी पोयम लिखी गई है। क्या क्या रखा है टेड यूक्स ने, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यानी कि जो लेबरनम टॉप है इसको हम कह रहे हैं कि ये अमलतास का जो बेल है उसके बारे में पोएम लिखी गई है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यानी कि पीले फूलों वाले उस छोटे से पेड़ का ऊपरी भाग जो है चुपचाप और बिल्कुल शांत है। सितंबर के महीने की दोपहर में सूर्य की पीली रोशनी में इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और सारे बीज जो हैं वो नीचे गिर चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन का मतलब सारे बीज जो हैं गिर चुके हैं, मुरझा चुके हैं, यू कैन सी। दोबारा देखना, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यानी कि पीले फूलों वाले उस छोटे से पेड़ का ऊपरी भाग जो है चुपचाप और बिल्कुल शांत है। सितंबर के महीने की दोपहर में सूर्य की पीली रोशनी में इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और सारे बीज जो है वो नीचे गिर चुके हैं। सेकेंड वाला स्टैंजा थोड़ा बड़ा है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप क्या रखा है, यानी कि टिल द गोल्डफिंच नाम की एक पक्षी है। गोल्डफिंच जो होती है बर्ड विद येलो विंग्स, पीले पंखों वाली पक्षी होती है, इसको गोल्डफिंच बोलते हैं। ट्विचिंग चिरप मैंने चहचहाते हुए आना होता है, ट्विचिंग मैंने वैसे अचानक होता है सडन, चिरप मैंने था चहचाना। अ सडननेस स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, क्या कहा गया है, जब पीले पंखों वाला पक्षी यानी कि बुलबुल एक शाखा के कोने पर अचानक चहचहाहट के साथ आती है तो पेड़ पर अचानक क्या हो जाता है, अ सडननेस स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड। यानी कि जब पीले पंखों वाला पक्षी बुलबुल एक शाखा के कोने पर अचानक चहचहाहट के साथ आती है तो पेड़ पर एक अचानकपन, एक हैरानी छा जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रुप्ट द सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ। यानी कि यह लिजार्ड में छिपकली की तरह बिल्कुल चमकीला, सचेत और विषम बन जाता है। यानी कि वह पक्षी जो है गहरे पत्तों में घुस जाती है अंदर। सी इंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स ऑफ, और वहाँ क्या हो जाता है, एक प्रकार का पंखों की कपकपी और कणों की एक मशीन सी शुरू हो जाती है। यानी कि पेड़ों पर पक्षी की चहचहाहट और पंखों के हिलने की आवाज़ को कहा गया है मशीन। ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा पेड़ कांपने लगता है, उत्तेजित हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, या उसके परिवार का क्या है, इंजन है। कौन, गोल्डफिंच जो पक्षी है। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट टू द ब्रांच एंड स्विंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, कहा गया कि वह इसे पेड़ के इंजन में यानी कि इंजन से पूरा भर देती है और उसके बाद अपनी पहचान को यानी कि मास्क जो है आवरण चेहरा जिसको कहते हैं उसको दिखाते हुए तेजी से एक शाखा के कोने पर बैठ जाती है। थोड़ा क्रिटिकल है सेकेंड स्टैंजा, दोबारा देखना, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड। यानी कि जब पीले पंखों वाला पक्षी जो बुलबुल है एक शाखा के कोने पर अचानक चहचहाहट के साथ आती है तो पेड़ पर अचानक एक हैरानी छा जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तब यह छिपकली की तरह चमकीला, अलर्ट मैंने सचेत, अब्रुप्ट विषम बन जाता है। सी इंटर्स द थिकनेस, यानी कि वह उस पेड़ के झुरमुट गहरे पत्तों में अंदर घुस जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, तब हिलने की, चहचहाट की, पंखों की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। और स्ट्रिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ द विंग्स ट्रिलिंग, कहा गया सारा पेड़ हिलने लग जाता है, उत्तेजित हो जाता है।
द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि यह क्या है, पूरे परिवार का इंजन है. सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट ऑफ द ब्रांच एंड स्विंग हर बार, और उसके बाद अपनी पहचान का मास्क जो है, आवरण जो है, चेहरा दिखाते हुए तेजी से एक शाखा के कोने पर बैठ जाती है. कौन? गोल्ड फिंच नाम की बर्ड्स. देन विद द अरे डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी एंड लेबनम बिसाइड्स देयर टू एम्प्टी. उसके बाद क्या होता है, अद्भुत कोमल व सूटी की आवाज़ जैसे चहचहाट के साथ वो अनंत आकाश की तरफ चली जाती है, और पीले फूलों वाला वह पेड़ फिर से चाह जाता है, शांत हो जाता है, अकेला हो जाता है. देन विद द एरे डेलिकेट विसल चिरफ विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिटी एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. यानी कि उसके बाद अद्भुत कोमल व सीटी की आवाज़ जैसे चहचहाट के साथ वह अनंत आकाश की तरफ चली जाती है, और पीले फूलों वाली, फूलों का वह पेड़ जो है बिल्कुल दोबारा से क्या जाता है, शांत और बिल्कुल अकेला हो जाता है. यानी कि बुलबुल की मधुर आवाज़ से पेड़ चमकने लगता है, और उसके जाने के बाद वह पेड़ क्या जाता है, खाली हो जाता है. बुलबुल जब आती है तो उसकी मधुर आवाज़ से पेड़ बिल्कुल चमकने लग जाता है, उसके बच्चे जो है बिल्कुल चहचहाने लगते हैं. जब उड़ जाती है फिर से पेड़ शांत हो जाता है, अकेला जाता है. बहुत बड़ी पोएम नहीं है, बहुत छोटी पोएम है. इसके वर्ड मीनिंग को आपने देखना है थोड़ा ध्यान से. मैंने बोला है लेबनम, इसको बोलते हैं अ शॉर्ट ट्री विद अ येलो फ्लावर्स. सिनोनिम हम लिखने हैं इंग्लिश में आपने, ठीक है ना, अ शॉर्ट ट्री विद अ येलो फ्लावर्स. उसके बाद आप साइलेंट जानते हैं, उसके बगल में साइलेंट लिखा है, इसको बोलते हैं हम क्या, मोशनलेस, चुपचाप. उसके बाद क्वाइट शब्द आया है, क्वाइट. क्वाइट मैंने क्या होता है, शांत, कंप्लीटली बोलते हैं. उसके बाद स्टिल मोशनलेस इसको बोला जाता है. फॉलन आता है विदाउट, यानी कि ड्रॉप्ड. गोल्ड फिंच अ वर्ड विद येलो स्विंग्स. ट्विचिंग मैंने बोला सडन, स्टार्टलमेंट होता है, सरप्राइज. स्लीक एक शब्द है, स्लीक, ठीक है ना, स्लीक इधर आया है, स्लीक वर्ड. स्लीक का मीनिंग क्या होता है, ग्लोसी जिसको बोलते हैं, ग्लोसी यानी कि चिकना या चमकीला. अलर्ट आया है, सचेत, कॉन्शियस. अब्रुप्ट अचानक बोलते. ट्रीमर आया, ट्रीमर मैंने होता है कब कभी. ट्रिलिंग होता है, ट्रिलिंग. विंग्स आया है, विंग्स मैंने होता है फीडर्स यानी कि पंख. ट्रेम्बल आया है, कांपना, शिवरिंग करना. फ्लिट्स तेजी से हिलना. अरे आता है, एक अरे मैंने अद्भुत होता है. लॉन्चेज मैंने होता है चली जाना. इन्फिनिटी मैंने होता है अनंत, अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं. सबसाइड आया है, सबसाइड मैंने होता है बिकम्स ट्रैंक्विल यानी कि शांत हो जाना. इसके वर्ड मीनिंग आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है, और ट्रांसलेशन को आपने ट्रांसलेशन करना है. नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, ठीक है ना. पॉज करके भी आप इस पोएम को बार बार देख सकते हैं, रोक रोक करके आपको ट्रांसलेशन इसका देखना है, ठीक है.